नो भैया, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का मेजरमेंट प्रॉब्लम है, सो ब्रिज बैलेंस के ऊपर प्रॉब्लम है ये। बाकी जो भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। सो भैया, मुझे टेक्निकली ब्रिज नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल नेटवर्क्स के बेसिक से करूँगा। मुझे बैलेंस्ड ब्रिज के बारे में बस इतना पता है दैट अपोजिट इम्पीडेंसेस का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट मस्ट बी इक्वल। ठीक है। ये इसके अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है। ठीक है। इसका इम्पीडेंस मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, ये एक साइनोसाइडल सोर्स है तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा भैया? ये मैं Z1 ले लेता हूँ। Z1 इज इक्वल्स टू Rx प्लस जे ओमेगा Lx। ठीक है। इस पैरेलल ब्रांच का मुझे अलग से निकालना होगा, किस तरह से? ये हो जाएगा, इसका इम्पीडेंस होगा आपका 1/j ओमेगा C1। ये है आपका R1। ठीक है भैया। सो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। ठीक है। सो R1 इंटू 1/j ओमेगा C1, दैट मीन्स j ओमेगा C1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ इम्पीडेंसेस प्लस 1/j ओमेगा C1। यहाँ मैं नीचे एलसीएम लूंगा तो ये j ओमेगा C1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस j ओमेगा C1 से ये कटेगा तो ये कितना आएगा? R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस j ओमेगा R1 C1। ठीक है भैया। सो ब्रिज बैलेंस के अकॉर्डिंग दिस इंटू दिस दैट मीन्स R2 इंटू R3 मस्ट बी इक्वल टू Z1, दैट मीन्स Rx प्लस जे ओमेगा Lx इंटू दिस इम्पीडेंस दैट मीन्स R1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा R1 C1। ठीक है भैया। सो मैं इसको ब्रैकेट को नीचे लिख देता हूँ बस, और ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में। यहाँ से ये जो ब्रैकेट है ये उधर जाएगा। ठीक है। सो R2 इंटू R3 इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू R1 इन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। सो क्या हो जाएगा? R1 इंटू Rx प्लस जे ओमेगा R1 इंटू Lx, और ये हो जाएगा R1 R3, दैट मीन्स 1 प्लस j ओमेगा R1 C1, और ये हो जाएगा R2 R3 प्लस जे ओमेगा R1 C1 R2 R3 बराबर। ठीक है। सो ब्रिज बैलेंस के अकॉर्डिंग ये है, रियल पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। सो रियल पार्ट इक्वल होने के लिए R2 R3 बराबर R1 Rx। ठीक है। उसने पूछा है व्हाट शुड बी Lx फॉर ब्रिज बैलेंसिंग, तो Rx के बारे में आपको कुछ नहीं बताना है, आपको अब इमेजिनरी पार्ट को बराबर रखना है। सो इमेजिनरी है ओमेगा इंटू R1 C1 R2 R3 इक्वल्स टू ओमेगा R1 इंटू Lx। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, R1 से R1 कैंसिल होगा, सो Lx इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 इंटू C1। सो दिस शुड बी योर आंसर।